वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको ल्हासा की और इस पाठ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रही हूँ। तो इसमें हम आरंभ में देखिए कि भारत से जब तिब्बत जाते थे, यानी तिब्बत भारत से बाहर एक देश है, तो जब हम वहाँ जाते थे तो हमें रास्ते में नेपाल होकर के जाना होता था, और उस समय कोई अन्य मार्ग नहीं बना था जिससे होकर के हम तिब्बत जा सकें। तिब्बत का रास्ता बहुत ही कठिन होता था, और उसके रास्ते में मार्ग में अनेक किले भी बने हुए थे, और इन किलों में चीन की सेनाएं रहा करती थी। अब इनमें से बहुत सी चौकियां और दुर्ग जो थे, दुर्ग किलों को कहते हैं, वो गिर चुके थे। बाद में भारत से तिब्बत जाने के लिए फरी क्लिंगपोंग एक रास्ता बनाया गया, जिसका नाम है फरी कलिंगपोंग। इसके बनने से तिब्बत जाने के लिए नेपाल नहीं जाना पड़ता था, यानी नेपाल रास्ते में नहीं आएगा, आप सीधा ही बाईपास जिसे बोलते हैं, तो वो रास्ता बना दिया गया। यहाँ पर राहुल जी ने बताया कि उस समय तिब्बत में भिखमंगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, और लोग चोरी के डर से या चोरी करने के कारण से उन्हें अपने घरों में नहीं आने देते थे। फिर लेखक ये कहते हैं कि तिब्बत में जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है, अलग अलग जातियों के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और वहाँ छुआछूत भी नहीं है, वो सभी को एक समान समझते हैं, और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो पर्दा भी नहीं करती है। कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि स्त्रियाँ पुरुषों के समान स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करती हैं, खुलकर कार्य करती हैं, किंतु वहाँ घटिया किस्म के भीख मांगने वालों को घर में नहीं आने देते हैं, क्योंकि उन पर चोरी का संदेह होता है। आम लोगों के प्रति तिब्बती नारियां जो हैं उनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, वो सम्मान करती हैं अपने घर में आए हुए लोगों का। आप सीधे उनके घरों में जा सकते हो और वो आपको चाय आदि भी बना करके देंगी। यहाँ पर लेखक ने तिब्बत यात्रा के समय विशेष डांडे थोंगला स्थान है, एक गांव का नाम है, उसमें जब वो जा रहे थे तो उसके रास्ते में जो जो खतरे उन्हें आए उसके बारे में बताया। तिब्बत में कानून की ढुलमुल स्थिति है, और ये भी लेखक ने इसमें बताया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो पहाड़ी रास्ते हैं उनके खतरों की, तो यहाँ पर मीलों तक कोई भी आदमी दिखाई नहीं देता। मीलों यानी काफ़ी मील तक, दूरी तक कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। और यहाँ नदियों के मोड़ हैं, पहाड़ों के कोने हैं, और यह यात्रा का सबसे खतरनाक स्थल है, और इसीलिए डाकुओं ने डाका डालने के लिए इसको चुना, और उनके लिए सबसे अच्छा भी स्थान भी है, क्योंकि वो निर्जन है, यहाँ लोग नहीं हैं। निर्जन यानी जहाँ पर लोग ना हो, तो वो मनमानी कर लेते हैं अपनी। और तिब्बत में यदि किसी गांव में खून भी हो जाए तो खूनी को सजा तो होती है, लेकिन अगर एकांत में कहीं किसी का खून हो जाए तो कोई परवाह नहीं करता है, और यही खतरा यहाँ पर बता रहे हैं राहुल शंकरदयन। और इसका जो पहाड़ी क्षेत्र का वर्णन है उसमें गांव बहुत दूर दूर तक बसे हुए हैं, नदियों के मोड़, पहाड़ों के कोने, और कहीं भी दूर दूर तक इंसान दिखाई नहीं देते हैं। तिब्बत में आपको मैंने बता दिया कि खून के लिए कोई सज़ा नहीं दी जाती है, और यहाँ पर एकांत स्थान पर जाना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तिब्बत में लोगों की सुरक्षा के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए हैं, और यहाँ की सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस जो होती है ना, CBI वगैरह, उन पर अधिक खर्च नहीं करती है, और साथ ही यहाँ कोई किसी की गवाही भी नहीं देता है। ये सन 1930 की घटना के बारे में यहाँ पर बताया है। और जब वो लेखक जो थे तिब्बत की यात्रा पर गए थे तो वो भिखारी के वेश में गए थे। रास्ते में उनकी मुलाकात एक मंगोल जाति के
बौद्ध भिक्षु से हुई और उसे लेखक ने सुमति का नाम दे दिया। सुमति होती है अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो सकता है। सुमति की तिब्बत के गांव में बहुत जान पहचान थी और वहां के लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। सुमति की काफ़ी जान पहचान थी क्योंकि वो एक भिक्षुक थे, और यही कारण रहा कि लेखक को उनके साथ रहने के कारण ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई थी। और बात करें डाकुओं की, मैंने आपको घटना बता दी है, कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी और यहाँ पर जागीरदारी व्यवस्था पाई जाती थी, यानी कि मजदूरों का शोषण होता था। कुछ ज़मीनों के मालिक जागीरदार कहे जाते हैं, जो बहुत अधिक ज़मीन के मालिक होते हैं और लोगों को काम पर रख करके काम करवाते हैं मज़दूरों से। लेखक ने यहाँ पर भिक्षु जो हैं उनकी स्थिति राजा के समान बताई है, क्योंकि जागीर का मालिक भिक्षु को बना दिया जाता था और भिक्षु ही जागीरों में खेतीबाड़ी का काम देखा करते थे, और राजा के समान वो रहते थे क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी उनके अंडर में। और तिब्बत में जो खेती वाले मज़दूर हैं उनकी दशा यहाँ पर काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी ख़राब हालत यहाँ पर थी। जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में होता है, मठ होते हैं जहाँ पर भिक्षु लोग रहते हैं, भिक्षुक लोग रहा करते हैं, उसे विहार या मठ कहा जाता है। लेखक जब पहाड़ों पर जा रहे थे तो उन्हें काफ़ी दूर तक पैदल चलना पड़ा और लेखक को अपना सामान भी खुद को ही उठाना पड़ा। अगर प्रश्न आ जाए कि उन्हें क्या क्या कठिनाइयां आई रास्ते में, तो आप ये बता सकते हो कि वो साधारण यात्री के वेश में नहीं थे, बल्कि एक भिखमंगे के रूप में उन्होंने वेश में यात्रा की थी। और भिखमंगों के लिए तिब्बत में कोई आदर नहीं होता है क्योंकि उन्हें चोरी का डर लगता है, इसलिए लेखक को हर कदम पर संदेह की दृष्टि से देखा जाता था, शक की दृष्टि से देखा जाता था, और उन्हें कोई भरिया यानी भार ढोने वाला व्यक्ति भी नहीं मिला, और इसलिए उन्हें अपनी जो ट्रैवलिंग थी उसमें काफ़ी कठिनाई आई, यात्रा में काफ़ी कठिनाई आई। एक स्थान पर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने घोड़ा लिया और अपने साथियों से वो अलग हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं। कुछ दूरी पर जाने के बाद उन्हें ख्याल आता है कि वो अपने साथियों से बिछुड़ चुके हैं, अलग हो चुके हैं। तब फिर वो वापस सही रास्ते पर आते हैं और सुमति को मिलते हैं। इस पर सुमति जो है काफ़ी नाराज़ होता है उनसे, और फिर वो साथ उसके चले जाते हैं सही रास्ते पर। बात करें अगर तिब्बत की, तो तिब्बत पहाड़ों में बसा हुआ एक देश है और वहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ऊंचे पर्वत हैं, उनको काटती हुई अनेक जल की धाराएं बहती हैं, और कुछ पहाड़ों पर तो हरे भरे वृक्ष हैं और कुछ बिल्कुल ही बिना वृक्ष के हैं, यानी जहाँ बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं हैं, और कहीं कहीं थोड़ी बहुत जगह जो है बिल्कुल समतल है, यानी पहाड़ भी नहीं है, तो कहीं पर ऐसा लगता है कि पहाड़ों से घिरा हुआ टापू है, यानी चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पहाड़ों की जो ढलान है उसमें छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, और पहाड़ों को काट करके थोड़े मार्ग बनाए गए हैं, सड़कें बनाई गई। पहाड़ी की चढ़ाई कहीं कहीं तो आसान है और कहीं सीधी और कठिन है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में पूरी तरह से समतल मैदान मिलेंगे, और तिब्बत की बात करें तो वहाँ की स्थिति बहुत आपको यहाँ पर पाठ में भी आप देख सकते हो अलग तरह से दिखाई देगी। और अगर समतल मैदानों की बात करें तो यहाँ हरे भरे खेत आपको नज़र आएंगे। यहाँ अगर बात करें यात्रा वृतांत की, तो राहुल जी की 1930 में जो यात्रा थी उस समय की अगर हम बात करें तो आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे, और एक रास्ता था जिसके थ्रू उन्होंने यात्रा की थी।
यहाँ पर पर्दा प्रथा की बात मैंने आपको बता दी है और भिखारी के वेश में उन्होंने यात्रा क्यों की। सुमति को उसके यजमानों से मिलने से मना कर दिया था, क्यों? क्योंकि थोड़ा वो लालची था, सुमति जो था थोड़ा लालची था और यजमानों के पास जाकर काफ़ी टाइम तक आने का नाम नहीं लेता था, इसलिए लेखक ने उसे यजमानों के पास जाने के लिए मना कर दिया था। और अगर बात करें कि वह लेखक कहाँ पर ठहरा था, कौन से स्थान पर ठहरा था, तो उसका नाम है लंकोर। तो ये सब चीज़ें आप इस पाठ की याद रखना। इस पाठ के लिए मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस के और वीडियोस भी बना रखे हैं, जिनके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक मैंने वहाँ पर दिए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।